नमस्ते एडियो व्यवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के रिगार्डिंग मेरे प्यारे विवर्स देखिए पिछली वीडियो में आपको ध्यान होगा हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का ओके वो हमारा वीडियो नंबर सिक्स था जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला था वो कुछ इस प्रकार का था डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला था ओके okay, पिछली वीडियो में ये क्या है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व नहीं किए हैं सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियो में यहाँ पर ये जो किए है प्यारे व्यूबर्स ये क्या है डैम्पिंग कॉन्स्टेंट जिस भी मीडियम में आपका सिस्टम ऑसिलेट करेगा उस मीडियम का ठीक ओमेगा नॉट जो है ये आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सिस्टम का ओके okay. तो बात यह है कि कुछ पॉइंट्स हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के रिगार्डिंग तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आखिरकार डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है क्या प्यारे विवस मान लीजिए कि ये, ये एक सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहा है इस प्रकार से ठीक ओके डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो ऑसिलेशन है सिस्टम का वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटता है मतलब ऐसा कहो जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो घटता है डिक्रीज करता है क्योंकि मीडियम में जो डैम्पिंग फोर्सेस प्रेजेंट है जो रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है उन रेजिस्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने में सिस्टम का एनर्जी लॉस्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घट जाता है और वो ज़ीरो पर पहुंच जाता है ओके okay. इस तरह के ऑसिलेशन को कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसलेशन जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं वेन ए सिंपल हार्मोनिक सिस्टम ऑसिलेट्स जस्ट ए मैं विथ अ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड विथ टाइम ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सिस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इट्स ऑसेलेन्स आर कॉल्ड डैम्प्ड सिंपल हारमोनिक मोशंस ओके जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पेंडुलम ले लिया हम लोग इस पेंडुलम को कुछ दूर डिस्प्लेस करवा दीजिए मान लीजिए यहाँ तक डिस्प्लेस करवाएं यहाँ ला कर के जब आप इसको छोड़ोगे है ना प्रैक्टिकल व्यू ऐसा है यहाँ ला कर के जब आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा ये पेंडुलम ऑसिलेट तो कर रहा है ऑसिलेट तो करेगा लेकिन धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे इसका जो ऑसिलेशनस है वो मतलब जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो घटता जाएगा घटता जाएगा और फिर एट अ पार्टिकुलर टाइम वो रेस्ट पर आ जाएगा अपने मेन पोजिशन पर तो यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर जो ऑसिलेशन है इस इस सिस्टम का इस पेंडोलम का वो डैम्प्ड हो रहा है डी एम पी ई डी डैम्प्ड मतलब डैम्प्ड का मतलब ये है कि जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो डैम्प हो रहा है मतलब वो घट रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अब बात आ रहा है कि वाई ऐसा क्यों ऐसा इसलिए मेरे प्यारे भी क्योंकि जिस मीडियम में ये ये सिस्टम है उस मीडियम में क्या है बहुत सारे डैम्पिंग फोर्सेस हैं डिसिपेटिव फोर्सेस हैं उन डिसिपेटिव फोर्सेस को फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए ओवरकम करने के लिए ये जो सिस्टम है ये अपना एनर्जी को इस्तेमाल करता है है ना जिससे कि इसका एनर्जी लॉस्ट होता है एनर्जी खर्च होता है ओके ओके और एक टाइम आता है जहां पे इसके पास एनर्जी बचता ही नहीं है सारा एनर्जी खर्च हो गया होता है ओके यहां देखिएगा

ये अपना एनर्जी का इस्तेमाल करता है एंड इट्स डिसप्लेसमेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एनर्जी लॉस्ट हो रहा है तो धीरे धीरे करके डिसप्लेसमेंट घटता जाएगा विद द टाइम एंड फाइनली द बॉडी लॉस्ट इट्स ऑल ओवर एनर्जी ओके एंड कम्स टू रेस्ट ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और पॉइंट हम लोग लिखे हैं देखिएगा क्या लिखे हैं कि डी के ऑफ एम्पलीट्यूड विथ टाइम इज कॉल्ड डैम्पिंग ठीक है यहाँ पर जो सिस्टम है जो भी सिस्टम आप जो भी हारमोनिक ऑसिलेटर है तो वो ऑसिलेट कर रहा है सिस्टम है ओके okay, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट पर डी के होने होना जो है घटना उसी को डैम्पिंग कहते हैं ओके okay, इस तरह का ऑसलेशनस डैम्प्ड ऑसलेसन्स कहलाता है ओके दीज अपोजिंग फोर्सेस ये जो अपोजिंग फोर्सेस है अर्थात ये जो डैम्पिंग फोर्सेस है ये जो डैम्पिंग रजिस्टिव और डिसिपेटिव फोर्सेस है इस इसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब ये नॉन कंजरवेटिव होता है नेचर में

जो सिस्टम जो ऑसिलेट कर रहा है उसका ऑसलेशंस है ना मतलब उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रहा है तो वो डैम्प्ड ऑसलेस कहलाएगा उसका ऑसलेशंस क्या है डैम्प्ड है ठीक है समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ को और यहाँ पर रीज़न क्या है डैम्प्ड होने का क्योंकि जो डिसिपेटिव फोर्सेज है जो रेजिस्टिव फोर्सेज है मीडियम में उसको ओवरकम कर रहा है सिस्टम एनर्जी का इस्तेमाल करके जिससे कि धीरे धीरे उसका सारा एनर्जी खर्च हो जाता है ओके okay. तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में